नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग भारतीय दर्शन पर विचार करने जा रहे हैं। देखा जाए तो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है बीए का, उसके अंतर्गत भी भारतीय दर्शन आपको पढ़ना है, और एमए में अगर आप परास्नातक कर रहे हैं दर्शन शास्त्र से, तो भी उसमें भारतीय दर्शन का पेपर है, जिसको कि हम लोग आज प्रारंभ में समझेंगे। आज का विषय हम लोग ले रहे हैं चार्वाक दर्शन। इसके पहले वाले कुछ व्याख्यान में हम लोगों ने इसको समझा है कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र क्या है, और उसी के अंतर्गत उसका एक हिस्सा माना जाता है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है चार्वाक दर्शन। अक्सर हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में बातचीत करते हैं या पूरे भारत के बारे में बातचीत करते हैं, तो एक शब्द बार बार उपयुक्त होता है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारतीय दर्शन आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत है। तो एक तरह से जितने भी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय हैं, या जो आपके पाठ्यक्रम में जिन दार्शनिकों को रखा गया है भारतीय दर्शन के अंतर्गत, उनमें अधिकतर आध्यात्मिक तत्वों को महत्व देते हैं। यहाँ संक्षेप में मैं बता दूँ कि आत्म तत्व को महत्व देने वाला, या शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए आत्मा में अवस्थित होने वाले सिद्धांत को आध्यात्मिक माना जाता है। इसको समझने का तरीका ये भी होता है कि वह दर्शन, वह विचार जो अभौतिक सत्ता को महत्व दे या अभौतिक मूल्यों को महत्व प्रदान करे, ऐसे दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है। तो एक तरह से अगर हम पूरे दर्शनों की बात करें, वेदांत है, मीमांसा है, सांख्य, योग, जैन, लगभग जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं जिनको भारतीय परंपरा में उच्च माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, उनका मूल स्वरूप आध्यात्मिक है। यहाँ तक कि अगर हम लोग बौद्ध दर्शन, जो कि नास्तिक संप्रदाय है, उसकी भी चर्चा करते हैं, तो उसमें भी निर्वाण है और बहुत सारे मूल्य हैं उसमें आते हैं। इस वजह से वो नास्तिक संप्रदाय होते हुए भी बौद्ध दर्शन आध्यात्मिक प्रवृत्ति का चिंतन बन जाता है। ले देखे कह सकते हैं कि एक दर्शन ऐसा है, चार्वाक दर्शन, जिसे भारतीय परंपरा में विशुद्ध तौर पर भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। इसलिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं शुरू में ही चार्वाक दर्शन की, जिसने अपने तर्कों के द्वारा भौतिकवाद को स्थापित किया। सामान्यतः हमारे अनुभव में ये जो जगत आ रहा है, जैसे शब्दिक होता है कि जिसको जागते हुए जागतिक तौर पर हमारा जो अनुभव होता है, उसमें जो सत्ता हमारे सामने आती है, उसे जगत कहा जाता है। तो सामान्यतः यह जगत भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, और इसी भौतिक तत्वों को अंतिम सत्य मानने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन कहलाता है। इसे भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन भी कहा जाता है। एक तरह से चार्वाक दर्शन पूरे भारतीय परम्परा को समीक्षात्मक भी बनाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अधिकतर दार्शनिक संप्रदाय आध्यात्मिक तत्व को महत्व दे रहे हैं, उसके विरोध में एक दार्शनिक संप्रदाय ऐसा है चार्वाक, जो कि भौतिकवाद या जड़वाद को स्थापित करता है अपने तर्कों के द्वारा। तो हमारा पाठ्यक्रम भी यही है कि आखिर चार्वाक दर्शन किस तरह से भौतिकवाद की स्थापना करते हैं। इसलिए पहले हिस्से में हम लोग उनके ज्ञान मीमांसा को देखेंगे, पहले लेक्चर में। चार्वाक दर्शन के दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगर उनकी ज्ञान मीमांसा भौतिकवादी है या भौतिक तत्वों को सिद्ध करती है, तो इस आधार पर वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको वो मान्यता प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर ज्ञान मीमांसा चार्वाक दर्शन की प्रत्यक्षवादी है, इस आधार पर जिन तत्वों को सिद्ध कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो फाइनली उनका आचरण कैसा होगा या चार्वाक दर्शन में नीति शास्त्र की क्या भूमिका बनेगी। इस तरह चार्वाक दर्शन को हम लोग तीन हिस्सों में बांटकर समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा परिचय के तौर पर, चार्वाक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है चारुवाक, रुचिकर बातें करने वाला। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि चार्वाक कोई एक फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि एक पूरे चार्वाक संप्रदाय था जिसमें बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं। लेकिन इनको लोकायत भी कहा जाता है, इसका मतलब ये था कि इस लोक या इस जगत को महत्व दे रहे हैं, और यह एक लोकप्रिय विचारधारा के तौर पर भी आम जन के सामने आता है। अगर आप प्रोफेसर संगमलाल पांडे की भारतीय दर्शन किताब पढ़ें, तो उसमें लिखते हैं कि
कि जो चरवाक है, जो चरवाक दर्शन है, वो एक लोकप्रिय दर्शन के तौर पर हमारे सामने आता है, क्योंकि यह जो सामान्य व्यक्ति की जो स्थूल दृष्टि होती है, सामान्य जन जिस तरह बातचीत करते हैं उसको यह तार्किक रूप में प्रस्तुत करता है। बहरहाल चरवाक दर्शन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमें पहले तो ये विचार करना पड़ेगा कि चरवाक किन प्रमाणों को मानते हैं और उन प्रमाणों को स्वीकार करके किस अन्य और प्रमाण जो हैं कैसे उनका खंडन करते हैं। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं चरवाक की ज्ञान मीमांसा से, कि चरवाक ज्ञान के संदर्भ में किस तरह से चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसे सरल ढंग से देख सकते हैं। पहला टॉपिक है चरवाक, उनके ज्ञान मीमांसा, प्रस्तावना, भौतिकवाद, दर्शन आता है यहाँ पर। तो ये कहने का अर्थ यही है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में वह एक भौतिकवाद की स्थापना कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मान रहे हैं। यहाँ से इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब रुचिकर बात ये होती है कि ये प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम लोगों को दो चीजों को देखना होगा। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतिगतम अक्षम, अर्थात शुरू में प्रत्यक्ष को माना गया जो आंखों से दिखाई दे, जिसे आंखों से जाना जाए, अक्ष के माध्यम से जाना जाए, उसे प्रत्यक्ष कहा गया। लेकिन आगे बढ़कर इसके अंतर्गत इन पांचों इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया। सामान्यतः हम लोग अगर अनुभव करें तो हमें ज्ञान किस तरह होता है, तो ज्ञान होगा वाय जगत है, वाय जगत की संवेदनाएं हमें मिल रही हैं, उन संवेदनाओं के आधार पर हमें प्रत्यक्ष होता है, और पाश्चात्य दर्शन की भाषा में कहें तो अनुभव के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये पांच इंद्रिया कौन कौन सी हैं? पहला आँख, आँखों से हम संवेदना ग्रहण करते हैं। दूसरा नाक, नाक से भी हम सूंघते हैं, ये भी ज्ञान का प्रकार है। कान से सुनते हैं, ये भी है। त्वचा और जीभ, जीभ से भी हमें संवेदनाएँ मिलती हैं, और फाइनली त्वचा। तो ये पांच तरह के प्रत्यक्ष करने के तरीके हमारे सामने आते हैं। सामान्यतः जब हम प्रमाण की बात करते हैं, अगर यहाँ पर संक्षेप में चर्चा कर लें, प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, और इस प्रमा का जो साधन होगा उसे ही प्रमाण कहा गया। तो भारतीय परंपरा में मुख्यतः छह प्रमाणों की चर्चा होती है, लेकिन सामान्य ढंग से जो ज्यादा लोकप्रिय प्रमाण है वह चार प्रमाण माने जाते हैं। बाद में जब वेदांत दर्शन आता है और मीमांसा दर्शन में दो प्रमाणों को अलग से बात में स्वीकार किया गया। संक्षेप में यहां पर हम लोग देखें तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान। ये चार महत्वपूर्ण प्रमाण माने गए हैं। बाद में वेदांत दर्शन आता है तो दो प्रमाण आ जाते हैं, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, अर्थ। तो ये चार प्रमाण, चार दो छह, मुख्यतः इन छह प्रमाणों को भारतीय परंपरा में स्वीकार किया गया है। जो कौन है? प्रमा, यथार्थ ज्ञान, और जो प्रमा का साधन है वह प्रमाण कहलाता है। तो ये छह प्रमाण हैं, लेकिन मुख्यतः जो लोकप्रिय है, जिनकी ज्यादा चर्चा होती है, ये चार प्रमाण हमारे सामने आते हैं। अब चरवाक क्योंकि दार्शनिक है, उनको ये सिद्ध करना है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इसके लिए उनके सामने चुनौती क्या है? पहले तो ये सिद्ध करें फर्स्ट हैंड कि ये सिद्ध करें कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। फिर उनको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जिनको प्रमाण माना जाता है, अनुमान, शब्द और उपमान, वह यथार्थ ज्ञान के स्रोत नहीं है। इसलिए इस प्रश्न में या जो
चार्वाक की जो प्रारंभिक विवेचना आती है उसमें हमारा जो पाठ्यक्रम है जो हमें समझना है कि प्रत्यक्ष को क्यों प्रमाण माना जाए, पहली चीज, उसके लिए क्या तर्क है, और जिन्हें प्रमाण कहा जाता है वह क्यों प्रमा के साधन नहीं है, इसकी चर्चा की जाए। तो पहले अर्थ में चार्वाक सरलता से बताते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष इसको क्यों प्रमाण माना जाए, क्योंकि इसमें सीधे इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है वस्तु से। यहाँ इंद्रियां हैं, इनका सीधे संपर्क हुआ वस्तु से, इसलिए ये ज्ञान होता है। और अभी मैंने चर्चा कर चुका था कि इंद्रियां जो हैं वो पांच तरीके से हमारे सामने आती हैं। चार्वाक कहते हैं एक बार किसी ने अग्नि की उष्णता का अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, तो कभी वो भी वह उसके बारे में संदेह नहीं करेगा। इस तरह प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने की वजह क्या है, क्योंकि चार्वाक कहते हैं यही एकमात्र संदेह रहित ज्ञान है, इसलिए प्रमाण है। चार्वाक अपनी परिभाषा में स्थिर है, जो प्रमा का साधन होगा उसे ही प्रमाण कहा जाएगा। ये तो इनका पहला हिस्सा था, जो पहला पक्ष है जिसमें ये सिद्ध करते हैं यथार्थ ज्ञान के स्रोत के रूप में किस तरह माना जाए। अब आता है कि दूसरा, अब इनके सामने चुनौती क्या है कि ये बताएं कि अनुमान शब्द और उपमान यथार्थ ज्ञान के स्रोत नहीं है। इसके लिए चार्वाक अलग अलग तर्कों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः सबसे पहले इसको लेते हैं, और ज़्यादातर जो चार्वाक दर्शन की ख्याति है उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अनुमान की प्रामाणिकता को व्यवस्थित तौर पर खंडित किया है। वो अनुमान को स्वीकार कर रहे हैं, आप अनुमान कर सकते हो लेकिन प्रमाण के तौर पर आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अनुमान क्या है, इसको विशेषकर न्याय दर्शन ने इसमें कहा, जैसे मान लिया आपको सिद्ध करना है पर्वत पर अग्नि है, ठीक। प्रत्यक्ष में हम लोग क्या कर रहे थे कि सीधे वस्तु है, व्यक्ति है, इंद्रियां हैं, सीधे सन्निकर्ष हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। लेकिन बहुत सारा ज्ञान की प्रणाली इस तरह की है कि हम सीधे वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। जिसका प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं उसका ज्ञान कैसे मिलेगा, अनुमान। इसे पश्चात ज्ञान भी कहते हैं, जो आप जान रहे हैं इसके आधार पे जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, अज्ञात वस्तु है, आप उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर, आपको कहीं से बहुत तेज़ी से धुआं उठता दिखाई दिया, बहुत तेज़ी से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, तो आप कहते हैं वहाँ पर आग लग गई है। अब कोई कह सकता भी आग दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप धुएं को देखकर यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि वहाँ पर आग लगी है। इसे ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि प्रमाण कहा जा रहा है इसका मतलब ये है कि 100% सही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अनुमान के तीन स्टेप में पर्वत पर अग्नि है, ठीक, क्यों, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। फिर अगला स्टेप आ रहा है, ये पता कैसे चला, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इसलिए पर्वत अग्नि है, यह आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि पर्वत पर धूम है, और धूम होने से क्या हुआ, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अब आते हैं चार्वाक का हिस्सा। चार्वाक इसे प्रमाण नहीं मानते हैं। चार्वाक ये कहते हैं कि मैं उसी को मानूंगा जिसका मुझे प्रत्यक्ष होगा। चूंकि अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है,
इसलिए मैं अग्नि को नहीं मानूंगा, धूम का प्रत्यक्ष हो रहा है तो मैं धूम को मानूंगा। इस अनुमान की प्रामाणिकता का आधार क्या है? भाई ऐसे तो कोई भी कल्पना हो सकती है, पर्वत पर शेर है क्योंकि पर्वत पर जंगल है, लेकिन जंगल से शेर सिद्ध नहीं होता है। आगे हम जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में बहुत रोचक टॉपिक आएगा, हेत्वाभास। जो टॉपिक ये कहता है हेतु का आभास, उसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरह अनुमान खंडित हो सकता है। लेकिन यहाँ संक्षेप में चरवाक के सामने ये चुनौती है कि अनुमान का आधार, ये जो दोनों लाइन है इसका आधार ये है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अग्नि इसमें व्याप्त है, अग्नि व्याप्त है धूम में, इसलिए धूम और अग्नि के संबंध के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धूम और अग्नि के में जो संबंध है यह संबंध व्याप्त संबंध कहलाता है। यह व्याप्त ही संबंध है जिसे अनुमान का प्राण कहा जाता है। कल्पना करें, सोच के देखें, यदि यह व्याप्त संबंध नहीं होगा तो अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां जहां धूम है तो जहां धूम है तो अग्नि अवश्य होगी। ये जो दो संबंध है इसी संबंध को हम लोग व्याप्ति संबंध कहते हैं। अब चरवाक अनुमान की प्रमाणता खंडन करने के लिए अब आवश्यक मान लेते हैं कि उन्हें व्याप्ति संबंध का खंडन करना है। अब चरवाक ये दिखाना चाह रहे हैं अपने मूल प्रश्न में कि यह जो व्याप्ति संबंध है यह सही नहीं है। अगर यह किसी तरह सिद्ध हो जाए कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, यह संबंध 100% सही नहीं होता है, तो अपने आप यह अनुमान धराशाही हो जाएगा। इसलिए चरवाक अनुमान का खंडन करने के लिए व्याप्ति का खंडन करके यह दिखाते हैं कि यह व्याप्ति संबंध सही नहीं है, व्याप्ति संबंध को हम प्रमाण का या अनुमान का आधार नहीं मान सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। चरवाक यहां लिख लेते हैं व्याप्त संबंध। अभी तक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भी सवाल है, साथ में यह सवाल चरवाक के पक्ष को तार्किक रूप से रखता है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये व्याप्ति संबंध है। चरवाक इसको चार तर्कों के आधार पर खंडित करते हैं। पहला तर्क बड़ा सरल सा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं उसे ही मानूंगा जिसका प्रत्यक्ष होगा। तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है, इसलिए व्याप्ति संबंध सही नहीं है। वह चरवाक बड़े सरल ढंग से कहते हैं कि क्या जितने आप करो जहां जहां, क्या आपने पूरे दुनिया में जहां जहां धुआं है उसे आपने देखा है? इतना मान लिया आपने धुआं देख भी लिया, तो क्या उसके साथ अग्नि के संबंध को देखा है? अगर देखा है तभी आप ये लाइन कह सकते हो। चूंकि आप धूम और अग्नि के संबंध को नहीं देख पा सकते, संभव ही नहीं है, इसलिए इस लाइन का प्रयोग करना गलत है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि जहां जहां, मतलब मैंने एक दो जगह देखा है, 10 जगह 20 जगह देखा है, उसके साथ हम मैंने अग्नि को संबंध देखा है। इस लाइन की पुष्टि प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती है, इसलिए वो कहते हैं कि व्याप्ति संबंध नहीं होता है। ये पहला तर्क है। कुछ लोगों ने चरवाक यहां तक कहते हैं, चलो किसी तरह आपने वर्तमान में जितने धुएं हैं और जितना उनके अग्नि के साथ संबंध है वो आपने देख लिया हो, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि इसका प्रयोग बाद में भी हो सके। अगर कल आप इस लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, भले ही आपने एक दिन पहले इस संबंध को सिद्ध किया है, इसलिए ये प्रत्यक्ष के आधार पर इसका खंडन कर देते हैं। दूसरा तरह सरल ढंग से आता है, जिसमें उनका कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं कर पा रहे हो तो सामान्य के आधार पर कर लो, सामान्य लक्षण। एक शब्द होता है सामान्य, फिलॉसफी में से या प्लेटो की भाषा में आइडिया कहते हैं,
थ्योरी ऑफ आइडिया में पूरा विस्तार से बताते हैं। इसको समझने का तरीका क्या है, जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, अगर कोई मनुष्य आपके सामने आया हुआ है, तो आप मनुष्य की सामान्य विशेषताओं के आधार पर उस ये कह सकते हो कि अगर ये सामने मनुष्य है, जीवित है, तो इसके हृदय होगा, हार्ट होगा, इसके फेफड़ा होगा। तो मतलब ये मनुष्य का सामान्य लक्षण है कि जीवित मनुष्य लक्षण क्या है, उसके अंदर हृदय हो गए, फेफड़े होंगे। इसी तरह किसी वस्तु की पहचान करते हैं, अगर हमें कोई जानवर गाय दिखाई दे रही है, तो गाय गोत्र कोई सामान्य होता है, सामान्य लक्षण होता है, जिसके आधार पर हम गाय की पहचान करते हैं। इसलिए सामान्य लक्षण के आधार पर हम उस तत्व का भी अनुमान कर सकते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो सीधे हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। इसे ही सामान्य लक्षण कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक विशेष व्यक्ति है, मनुष्यत्व एक सामान्य लक्षण है। क्योंकि किसी व्यक्ति को हम मनुष्य कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का सामान्य लक्षण पाया जाता है। बचपन में टीचर गुस्से में आकर कोई बच्चा बार बार नहीं बता पाता था, तो गुस्से में आकर कहते थे बैल कहेंगे। इसका मतलब है कि जो बैल के कुछ गुण है उस बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसको बैल कह दिया। लेकिन सामान्यतः इसको समझने का तरीका है, हम किसी वस्तु की पहचान ज्ञान उसके सामान्य के आधार पर करते हैं। मनुष्य का जो गुण होता है, वो जिसमें पाया जाता है, वह मनुष्य कहलाता है। इसलिए न्याय दर्शन कहते हैं कि सामान्य लक्षण के आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि धूम का सामान्य लक्षण है कि वह अग्नि से उत्पन्न होता है। धूम और अग्नि, धूमत्व का मतलब हो गया कि धूम की ये सामान्य विशेषता है कि धूम होगा तो अग्नि होगा। लेकिन चरवाक इसे नहीं मानते। चरवाक सरल ढंग से कहते हैं कि सामान्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। आप खुद भी कहते हैं, चरवाक बड़े सरल ढंग से पूछते हैं। चरवाक ये कहते हैं, मैंने मनुष्य तो देखा है, लेकिन आज तक मुझे मनुष्यत्व नहीं दिखाई दिया। वो लोगों से जब सामने शास्त्रार्थ होता तो बड़े सरल ढंग से कहते थे कि तुमने मनुष्य देखा, उन्होंने कहा ये मनुष्य, तुमने ये मनुष्य को देखा है, हाँ ये मनुष्य। फिर वो अचानक सभा में पूछते थे, तुम्हें मनुष्यत्व कहीं देखा है, मनुष्यत्व किसी को दिखाई दे रहा है? इसका अर्थ क्या हुआ? चरवाक कहते हैं, सत्ता किसकी है? सिर्फ विशेष की है। सामान्य की कोई सत्ता नहीं है। तो मैं विशेष को ही मानूंगा, सामान्य को नहीं मानूंगा। मैं धूम और अग्नि जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसे मैं मानूं। अब मुझसे ये कहोगे, धूमत्व जैसी कोई सत्ता होती है, धूमत्व में अग्नि निहित है, इस सत्ता को नहीं मानूंगा। इसलिए चरवाक सामान्य लक्षण पर आधारित व्याप्ति संबंध को भी नहीं मानते हैं। फिर इनसे कहा जाता है कि चलो भाई, अगर आप ये नहीं मान रहे हो, एक तरीका तो ये भी हो सकता है, हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, कि आप कुछ धूम और कुछ अग्नि के संबंध को आप देखते हैं, कुछ धूम और अग्नि का संबंध है, इसके आधार पर आप अनुमान लगा लो कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। मतलब कुछ धूम और कुछ अग्नि के अनुभव के आधार पर आप इस संबंध को स्वीकार कर लो। ये तो हो सकता है ना, हम लोग जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। प्रयोग इस तरह करते हैं कि कोई भाई, आपने एक बार धुएं और आग को देखा, दो बार धुएं आग को देखा, तो आप अंदाजा लगा लेते हो कि जहां धुआं होगा वहां, तो अनुमान लगा लो। अब चरवाक यहां पर एक प्रश्न करते हैं। चरवाक कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आपसे पूछा जाए कि अनुमान प्रमाण को क्यों माना जाए। तो कहते हो कि अनुमान को इसलिए माना जाए क्योंकि उसका आधार व्याप्ति संबंध है, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। अनुमान प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि व्याप्ति संबंध है। अब आप कह रहे हो कि व्याप्ति को क्यों माना जाए, तो कह रहे हो व्याप्ति क्यों मानने के लिए अनुमान कर लो। चरवाक ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कहा अनुमान को क्यों माना जाए पहले तर्क में, क्यों? क्योंकि उसका आधार व्याप्ति है। अब कह रहे हो व्याप्ति को सिद्ध करने की बात आई, तो कहते व्याप्ति का अनुमान कर लो, तो कहते ये नहीं हो पाएगा। इससे क्या हो रहा है, अनुमान व्याप्ति पर, व्याप्ति अनुमान पर आधारित हो जा रहा है। और एक तरह से तर्कशास्त्र की भाषा में इसको चक्रक दोष कहते हैं। भाई
अनुमान से व्याप्त को सिद्ध कर रहे हैं और जो व्याप्त सिद्ध करने की बात अनुमान से सिद्ध करने आई। इसे कहते हैं कि आप पहले से ही वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, चरवाक सिद्ध सात्ता दोष का करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब आप दूसरा तर्क देते हो कि सामान्य लक्षण का, तो आप मान लेते हो कि सामान्य में विशेष निहित है, मनुष्यत्व में मनुष्य निहित है। इसी तरह आप मान लेते हो पहले से ही सिद्ध साध्यता दोष, पहले से ही सिद्ध मान लेते हो कि अगर मनुष्यत्व है तो वह मनुष्य में पाया जाएगा, इसलिए धूमत्व है तो वह अग्नि में पाया जाएगा। इससे यह समस्या पैदा होती है कि हम एक तरह से पहले तो चक्रक दोष से ग्रसित हो गए, अनुमान व्याप्त पर, व्याप्त अनुमान पर, और एक और दोष पैदा हो गया सिद्ध साध्यता दोष, जिसको आपको सिद्ध करना है, आपने उसको पहले से स्वीकार कर लिया है। ये कुछ इस तरह है, जैसे आपने दो लाइन सुनी होगी ना कि ए का घर कहाँ है, कहें बी के घर के सामने, बी का घर कहाँ है, ए के घर के सामने। जब पूछोगा कि दोनों घर कहाँ है, आमने सामने। देखने में तो तर्क लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये तर्क नहीं है, बल्कि यह अन्योन्याश्रय दोष से ग्रसित है। एक सत्ता दूसरी सत्ता पर आश्रित हो गई है। इसी तरह अनुमान और व्याप्ति एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और इससे यह अन्योन्याश्रय दोष पैदा होता है। इसलिए चरवाक तीसरा भी तर्क देते हैं, क्या कहते हैं कि ना यह प्रत्यक्ष से, ना यह सामान्य लक्षण से, ना यह अनुमान से सिद्ध होता है। अब एक आखिरी तर्क आता है, चौथा तर्क। पूरी दुनिया में कार्यकारण सिद्धांत पाया जाता है, कार्यकारण सिद्धांत। हम और पूरी साइंस कारणता पर टिकी हुई है, कारण है तो कार्य है, और इसी आधार पर विज्ञान दर्शन शास्त्र के अधिकतर सिद्धांत कारणता पर टिके हुए हैं। ईश्वर का अस्तित्व भी कारणता पर टिका हुआ है, मूल द्रव्य का अस्तित्व कारणता पर टिका हुआ है। अब फाइनली न्याय दर्शन एक ताकतवर तर्क देते हैं, वो कहते हैं कार्य कारण संबंध के आधार पर व्याप्त सिद्ध होती है। क्यों? धुएं का कारण, धूम का कारण क्या है, अग्नि है। तो अग्नि और धूम में कार्य कारण संबंध है, अर्थात धूम कारण है और अग्नि इसका कार्य है। इसलिए धूम कारण है, ये कार्य है, इसलिए धूम को देखकर अग्नि का अनुमान हम लोग कर सकते हैं। या ये इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि कार्य कारण संबंध को कि जो तत्व हैं ए हैं और बी, तो धूम अगर हम बी को माने, अगर ये कार्य है और ये कारण है, तो इनमें जो आपस का संबंध है वह संबंध कार्य कारण का संबंध है। धूम कहाँ से आया, धूम क्यों पैदा हो रहा है, उसका कारण अग्नि है, अग्नि की वजह से धूम हमारे सामने आ रहा है। तो सापेक्षिक एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धुआं कहाँ से आया, अग्नि से आया, तो अग्नि उसका आधार हो गई, अग्नि है तो धूम है, धूम है तो अग्नि है। इस आगे जब हम लोग समव्याप्ति और विषम व्याप्ति पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सम और विषम व्याप्ति के अंतर और विस्तार जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तब हम इस परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए इतना हम कह सकते हैं कि धूम और अग्नि के बीच कारण कार्य संबंध है। धूम का अस्तित्व क्यों स्वीकार करें, क्योंकि यह अग्नि से उत्पन्न होता है। अग्नि नहीं होगी तो आप देख सकते हैं धूम का अस्तित्व नहीं होगा। इस तरह कारण कार्य संबंध के आधार पर भी यह चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो फाइनली अग्नि है और धूम है। अगर आपको धूम दिखाई दे रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, 100% अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर अग्नि होगी। क्यों? क्योंकि धूम जो है बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस तरह कारण कार्य संबंध के आधार पर व्याप्ति संबंध को सिद्ध किया जाता है। चरवाक नहीं मानते इसको, चरवाक कहते हैं कारण कार्य संबंध क्या है, वो कोई तार्किक कारण नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक संबंध। दो घटनाओं को एक साथ हम लोग होते हुए देखते हैं, हम दो तीन बार देखते हैं कि ए घट रहा है उसके बाद बी घट रहा है, तो हम उसमें एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। इनमें कोई तार्किक संबंध नहीं है,
वो अपने पे टिके हुए हैं चरवार, प्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्ष होगा मैं उसी को मानूंगा। हमें प्रत्यक्ष किसका होता है? दो घटनाओं का होता है, एक घटना घटी, बी घटना घटी, ए के बाद बी घटी। तो इसका मतलब हम उसमें मनोवैज्ञानिक संबंध मान लेते हैं, ए होगा तो बी होगा। चूंकि ये मनोवैज्ञानिक संबंध है, इस तार्किक नहीं है, ये संबंध हमारे अनुभव में नहीं आता। जैसे कहा जाए ना कि किसी को अगर एक आपने झापड़ मारा, गाल लाल हो गया, तो चरवाकी कैसे थे, कभी कभी बिना मारे भी गाल लाल हो जाता है, कभी कोई शर्माने से गाल लाल हो जाता है, तो क्या गारंटी कि मेरे मारने से लाल गाल हुआ है? आप कुछ पौधों को पानी देते हैं, ठीक, तो वो पौधा खिलता है पूरा। कुछ पौधों का आप पानी नहीं देते हैं, फिर भी खिल रहा पूरा। मतलब हमारे अनुभव की सीमा रेखा है, हमारे अनुभव में सिर्फ घटनाएं आती हैं, ए घटा है, ए के बाद बी घटा है। हमारे अनुभव में कहीं कार्य कारण संबंध नहीं आता है, दो घटनाओं को बार बार होते हुए देख लेते हैं और इसमें हम मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसलिए इस संबंध को चरवाक नहीं मानते हैं। चरवाक कहते हैं कार्य कारण संबंध कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है, इसलिए इस संबंध के आधार पर भी हम व्याप्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। इसी कार्यकाल, इसी तरह की ठीक बात पूछी गई है कि भाई जिस तरह भारतीय दर्शन में चरवाक इसका खंडन कर रहे हैं, उसी तरह वेस्टर्न फिलॉसफी में डेविड ह्यूम ही हैं, वो भी यही तर्क देते हैं कि हमारे अनुभव में, हमारे प्रत्यक्ष में कभी कार्य कारण संबंध नहीं आता है। हमारे अनुभव हमेशा दो घटना, हमने पेन ऊपर फेंका, पेन नीचे आया, पेन ऊपर गया, नीचे, हमारे पास दो घटना घटी, एक घटना घटी पेन ऊपर जा रहा है, दूसरी घटना घटी कि पेन नीचे आ रहा है, लेकिन हमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं दिखाई देता। यही बात चरवाक कह रहा है। हम अपने जीवन में देखा होगा, जिस चीज को आप अशुभ या शुभ समझते हैं वो क्या है? किसी एक घटना के साथ आपके साथ अच्छा हो गया तो आपने शुभ मान लिया, दो तीन बार ऐसा हुआ आप कहते हैं मेरे लिए बहुत लकी है। अब आदमी लकी कह देता, लकी क्यों कह रहा है, शुभ क्यों है, कोई तीन चार घटनाएं ऐसी हो गई हैं, जब ये घटना हुई तो आपके साथ अच्छा हो, तो आपने उसमें कार्य कारण संबंध मान लिया, जो कि तार्किक नहीं है, प्रमाण नहीं है। इस तरह चरवाक खंडन करते हैं प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का, और अनुमान के आधार व्याप्ति का उन्होंने खंडन कर दिया। अब अगला चरण आता है, अगला चरण ये आता है कि चरवाक क्या कहना चाह रहे हैं कि अनुमान होता नहीं, न्याय दर्शन का इसका मतलब आप अनुमान को नहीं मानते हैं। तो कहते हैं हम अनुमान को मानते हैं, लेकिन वो उनको आपत्ति किस बात की है, अनुमान की प्रमाणिकता का खंडन कर रहे हैं, वो अनुमान को प्रमाण नहीं मान रहे। तो क्या है, अटकल मात्र है। अनुमान एक प्रकार से अटकल मात्र माना जाता है, इस तरह अनुमान की प्रमाणिकता का वो खंडन कर देते हैं। अब बचता है शब्द प्रमाण। अब उन्होंने चरवाक ने क्या सिद्ध कर दिया, चरवाक जी ने सिद्ध कर दिया कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण होता है। दूसरा उन्होंने सिद्ध कर दिया प्रमाण के तौर पर कि अनुमान प्रमाणिक नहीं है, अनुमान की प्रमाणिकता खंडन कर दिया। अब तीसरे स्टेप में वो आते हैं शब्द प्रमाण। वो कहते हैं कि जो शब्द है वह भी प्रमाण नहीं है। जैसे हमने देखा कि अनुमान क्यों माने, तो कहते हैं कि ये अटकल मात्र है, इसे यहां तक हम लोगों ने चर्चा की, और चर्चा करने के बाद डेविड ह्यूम से हमने तुलना। अब आते हैं शब्द प्रमाण पर कि शब्द को भी वो प्रमाण नहीं मान रहे हैं। इसका आधार क्या है, चरवाक बहुत सरल ढंग से कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है इसको हम दो कारणों से मानते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि शब्द है इसको हम लोग दो तरीकों से स्वीकार करते हैं। पहला जो स्वीकार करने का तरीका होता है वो ये है कि अपने अपने जीवन में भी दो तरीके से शब्दों पे भरोसा करते हैं। पहला तरीका ये है कि सामान्य ढंग से
किसी कोई व्यक्ति कोई विश्वसनीय व्यक्ति है वो उसे कोई बात बोलता है तो हम उसको प्रमाण के तौर पर स्वीकार करते हैं। दूसरा, कोई अच्छी सी पुस्तक मिल जाती है तो उसको भी हम लोग प्रमाणिक तौर पर मानते हैं। आप परीक्षा में जो कुछ पढ़ते लिखते हो या जो भी चर्चाएं होती है उसमें दो आधार होते हैं, या तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने आइंस्टीन ने कोई बात कह दी आपने उसको मान लिया, कोई इतिहासकार उन्होंने कोई बात कह दी उसे मान लिया, दूसरा कोई पुस्तक है आप उस पुस्तक को में लिखी हुई बातों को कोड करते हो परीक्षा में प्रयोग करते हो। इसलिए शब्द प्रमाण को हम लोग दो तरीके से स्वीकार करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक होता है आप्त पुरुष के वचन, आप पुरुष के वचन क्यों हम लोग प्रमाण मानते हैं। दूसरा, ग्रंथ या जिस समय चरवाक अपनी बात कर रहे थे उस समय वेद उपनिषद आदि। इसका मतलब कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है वो, और दूसरा लिखित रूप में जो वस्तु होती है उसे हम मानते हैं, इसे ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। अब इस शब्द प्रमाण को हम लोग दो आधारों पर मान ले रहे हैं, स्वीकार करते हैं। अब चरवाक इसका बड़ी सरलता से खंडन करते हैं, कहते आप तो पुरुष कोई बात बोलेगा, इस जगत की बात बोलेगा। भाई कोई भी पुरुष कोई भी व्यक्ति दो तरह की बातें बताता है, लौकिक इस जगत की बात और दूसरा अलौकिक इस जगत के बाप की बात बता रहा है। फिर दूसरा ग्रंथ में या तो कोई किताब इसलिए हम पढ़ते हैं कि उसके रचयिता अच्छे हैं, या फिर हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी विषय वस्तु अलग अलग है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि आप पुरुष दो तरह की बातें करते हैं, संसार के बारे में बताते हैं, दूसरा जो ज्ञानी लोग हैं उस संसार अलौकिक सत्ताओं का वर्णन करते हैं, स्वर्ग नरक पृथ्वी कैसे बनी जो हमें सीधे अनुभव में नहीं आ रहा है। अब चरवाक इसका अंडन करें, चरवाक कह रहे हैं अगर कोई आप्त पुरुष इस जगत के बारे में बातचीत कर रहा है, लौकिक बात कर रहा है, तो उसकी बात को मानने की जरूरत नहीं है, आप उसकी बात मत मानिए, खुद जाके स्वयं प्रत्यक्ष कर लीजिए, तो हमें इसको नहीं मानना। अगर कोई वो अलौकिक बात बता रहा है तो उसको बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि अलौकिक बातों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए आप पुरुष को नहीं मानना चाहिए। लौकिक बातें क्या है? और वो कहता है कि प्रयागराज से गंगा नदी बहती है, उसकी बात मन माने जाके देख लीजिए। और वो कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि अलौकिक बातों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। फिर कहा कि अब देख लॉजिकल खंडन क्या है, अब वो कह रहे हैं कि किसी की वेद उपनिषद आदि को क्यों ना माने, कहते दो वजह से रचयिता। आपको पता चले कि कोई बहुत बड़ा मतलब मान लो कि अगर कोई भी अर्थशास्त्री है अमर सेन कोई किताब लिखते हैं तो लोग उसको प्रमाण मानते हैं, चलो अमर सेन ने लिखा है, रचयिता अच्छा होता है तब उसकी किताब को मानते हैं। या कभी कभी कोई फेमस राइटर नहीं होता है, किताब आती है बाजार में, कोई उसे पढ़ता है और कहता है बहुत शानदार किताब लिखी है तो आप उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन दो वजह होती हैं शब्द को प्रमाण मानने की। अब यहाँ पर चरवाक कहते हैं कि रचयिता धूर्त शब्द इस्तेमाल करते हैं, रचयिता सही नहीं है जिन्होंने वेद उपनिषद लिखा है, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ स्वार्थी हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किताबें लिखी हैं, इसलिए अगर कोई स्वार्थी है तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि जिनकी विषय वस्तु है वेद उपनिषद आदि में बहुत ज़्यादा विरोधाभाषी है, कहीं वो कहते हैं अग्नि देवता प्रधान है, कहीं कहते हैं सूर्य देवता प्रधान है, एक ही श्लोक पहले इस्तेमाल होता है फिर बाद में इस्तेमाल होता है, इसलिए वह वेद उपनिषद आदि का भी खंडन करते हैं। तो इस तरह चरवाक शब्द प्रमाण का भी खंडन करके इसकी प्रमाणिकता का उल्लंघन करते, कहते ये प्रमाणिक नहीं है, शब्द प्रमाण को भी मानने की आवश्यकता नहीं है। अब चरवाक शब्द प्रमाण को भी खंडित कर देते हैं। अब अगला चरण आता है उपमान प्रमाण का। उपमान प्रमाण उपमान है दो वस्तुओं की सादृश्यता के आधार पर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे उपमान कहा जाता है। यद्यपि चरवाक उपमान का अलग से खंडन नहीं करते हैं, उपमान को एक अनुमान का एक पार्ट मानकर कहते हैं इसको अलग से खंडित करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप शब्द और उपमान अनुमान के खंडन में समाहित हो जाता है। फिर भी सरल ढंग से
आपको समझने के लिए आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। उपमान जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, उससे आपने कहा कि जंगल में जो गाय जैसा जानवर दिखे वो नीलगाय है, वो व्यक्ति जंगल में जाता है उसे एक गाय जैसा जानवर दिखता है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है यह नील गाय है। यही उपमान प्रमाण है जिसमें किसी वस्तु के विषय में आपको पहले से जानकारी होती है, आप जाते हैं, बाद में आप उसका प्रत्यक्ष करते हैं, फिर तुलना करके सादृश्य के आधार पर आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसे ही उपमान प्रमाण कहा गया। लेकिन चरवाक इस उपमान प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं और चरवाक ये कहते हैं इसको अलग से खंडन करने की जरूरत नहीं है। जब हम अनुमान और शब्द, क्योंकि इस प्रमाण में अनुमान भी है शब्द भी है, तो उसमें स्वतः खंडन हो जाता है। इस तरह चरवाक की जो ज्ञान मीमांसा है वह ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण सिद्ध करके भौतिकवाद की स्थापना करती है और इसी आधार पर वो अनुमान शब्द और उपमान की प्रमाणिकता का खंडन करते हैं। चरवाक का ये मत अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और क्योंकि हम लोग फिलॉसफी के पेपर पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए फिलॉसफी के किसी भी पेपर में के लिए आवश्यक है कि हम उसकी समीक्षा अवश्य करें। तो अंत में आपको परीक्षा में भी, किसी भी लेक्चर में भी अंत में समीक्षा करना अनिवार्य हो जाता है। तो हम लोग अब समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें। परिभाषा अभी तक हम लोगों ने देखा, अनुमान खंडन हुआ, शब्द परिभाषा विषय वस्तु और चेता जैसे हम लोगों ने कहा अलग से खंडन की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की है। अब आलोचना में यहाँ देखें जैन बौद्ध सांख मीमांसा वेदांत, इन सभी फिलोसफरों ने एक मत से आलोचना की है चरवाक की। क्योंकि चुनौती यह है कि अगर चरवाक के मत को सही मान लिया जाए तो नाना प्रकार के जो दार्शनिक संप्रदाय हैं उनके जो तर्क हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए इस जिस तरह से चरवाक ने अपनी बात रखी उसका खंडन भी उसी प्रबल तरीके से हुआ। अब जैसे जब जैन और बौद्ध दार्शनिक जो कि नास्तिक संप्रदाय से आते हैं, वो यद्यपि नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि वेद उपनिषद की प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते, वेद उपनिषद परंपरा में नहीं आते हैं, इसलिए चरवाक जैन और बौद्ध नास्तिक संप्रदाय के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। इन दार्शनिकों का कहना है, विशेषकर जैसे जैन से शुरू करें तो जैन ही कहते हैं कि जब आप कहते हो सामान्यतः कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, अनुमान प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, तो फिलोसफर्स ये कहते हैं कि भाई आपको ये पता कैसे चला, ये भी तो एक तरह का अनुमान ही लगा रहे हो। आप जब ये कह रहे हो कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ये मान रहे अनुमान प्रमाण नहीं है, तो ये पता कैसे चला। अनुमान प्रमाण नहीं है ये पता कैसे चला, ये भी तो एक तरह का अनुमान करना हुआ। जब आप कहते हो कि अनुमान प्रमाण नहीं है, यह भी एक तरह का अनुमान है क्योंकि आप पूरे अनुमानों को तो आप नहीं देख पा रहे हो। जहां जहां अनुमान हुआ हो आपने प्रत्यक्ष कर लिया हो तब आप कैसे कर नहीं है, इसलिए यह अनुमान की प्रक्रिया भी अपने आप में खंडन नहीं हो पा रही है, खंडित नहीं हो पा रही है। इसलिए कहा जाता है कि अनुमान के खंडन की प्रक्रिया, अनुमान के खंडन की प्रक्रिया स्वयं अनुमान है। अब अनुमान का आप खंडन करोगे तो स्वयं अनुमान करोगे, आप अनुमान ही तो लगाते हो कि अन्य दार्शनिक संप्रदाय अनुमान को प्रमाण स्वीकार करते हैं। तो दूसरा क्या है, बौद्ध दार्शनिक बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, विनम्रता के साथ कहते हैं कि चलो हो सकता है कि आपको धूम और अग्नि में के अनुमान में सिर्फ धूम का प्रत्यक्ष हो रहा है, अग्नि का नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पर समस्या खड़ी हो वहां पर व्यवहारिक समाधान को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। चूंकि अनुमान हमारे व्यवहारिक प्रयोगों में सिद्ध हो रहा है इसलिए हम अनुमान को स्वीकार कर सकते हैं। इसी क्रम में दार्शनिक जैसे न्याय दर्शन प्रबल तौर पर तर्क रखते हैं कि हम अपने जीवन में सामान्य के आधार पर ही हर काम करते हैं, हम सामान्य के आधार पर ही गाय और भैंस में अंतर करते हैं,
सामान्य के आधार पर ही हमारी पूरी ज्ञान प्रक्रिया निर्माण होता है, इसलिए सामान्य को अस्वीकार करके सामान्य का खंडन नहीं हो सकता है। और सामान्य खंडन ना होने की, जब सामान्य का खंडन नहीं कर पाओगे तो आप अनुमान का भी खंडन करने की स्थिति में नहीं आते हो। इस तरह अनुमान का जो खंडन कर रहे हैं चरवाक, वो पूरी तरह से उनके खुद के प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध नहीं करता है। जैसे एक और आलोचना वेदांत और मीमांसक इसको बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, वो कहते हैं कि जब चरवाक ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अगर ये कह रहे हैं आप, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, जहां जहां प्रत्यक्ष होगा वहां 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 यथार्थ ज्ञान होगा। ठीक, जहां जहां प्रत्यक्ष होगा वहां वहां यथार्थ ज्ञान होगा। तो आलोचक कहते हैं भाई जहां जहां वहां वहां, ये भी तो एक तरह से व्याप्त संबंध हो गया ना, आपने व्याप्ति को स्वीकार कर लिया, इसलिए व्याप्ति को प्रकारांतर में चरवाक को मानना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि खुद अपने आप में चरवाक का जो कथन है वह व्याप्ति को सिद्ध कर रहा है। और फाइनली अंतिम आलोचना, जैसे होता ना साइकोलॉजिकल अंतिम आलोचना क्या होती है, चलो इनकी बात मान ही लिया जाए, क्या हमेशा ऐसा होता है प्रत्यक्ष सही हो? नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, क्या हमेशा जब भी आप देखते हो सही देखते हो? क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप रस्सी को सांप समझ लो? इसका मतलब प्रत्यक्ष पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। मिगमारीचिका, रेगिस्तान में पानी दिखना, किसी व्यक्ति को अगर पीलिया हो गया है तो हल्का हल्का पीला कलर दिखाई देना, हम सब इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम प्रत्यक्ष सही से ना कर पाए हों। और फाइनली अगर हमें भ्रम होता है, भ्रम है, इसका अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष 100% सही प्रमाण नहीं है। तो इस तरह प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सकता। अनुमान शब्द और उपमान की जो प्रामाणिकता खंडन किया है वो अभी पूरी तरह से चरवाक अपने चिंतन में सफल नहीं रहे। फिर भी निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कहते हैं कि चरवाक ने जो तर्क दिए समुदाय ने, उन्होंने पूरे दर्शन को समीक्षात्मक बना दिया। अब आप यूँ ही नहीं कर सकते, न्याय, वेदांत, बौद्ध, जैन, ये जितने भी दार्शनिक संप्रदाय आए हैं, अधिकतर दार्शनिक संप्रदायों ने पूर्व पक्ष के तौर पर चरवाक को जरूर रखा है। इसलिए चरवाक का योगदान ये है कि चरवाक के चिंतन ने पूरे भारतीय दर्शन को समीक्षात्मक बनाने का प्रयास किया। तथापि यह सामान्य जन की स्थूल दृष्टि है, जैसे मैं उसी को मानूंगा जो मेरे अनुभव में आएगा, उसको तार्किक रूप से चरवाक स्थापित करते हैं। इस तरह चरवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण सिद्ध करते हैं, अनुमान शब्द उपमान की प्रामाणिकता का खंडन करके भौतिकवाद की स्थापना करते हैं। तो फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि इनके जो ज्ञान मीमांसा है उसके आधार पर इनकी तत्व मीमांसा कैसे स्थापित होती है। धन्यवाद।